हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ा खू लोग। जब हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और इसी थॉट के साथ हम फिर से आए हैं एक डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। सी आई हैव टोल्ड यू पीपल पहले भी दैट हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जो हम सिर्फ डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियोज़ के लिए वो कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई सजेशन है डिफरेंस बिटवीन वाली वीडियोज़ का तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, हम उस पर भी जल्द ही वीडियो बना देंगे। फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन में क्या डिफरेंस होता है। दोनों चीज़ें समझने से पहले हम समझते हैं एक चीज़, दैट जब भी दो लोग लड़ रहे होते हैं यूजुअली एक तीसरे इंसान का इंटरवेंशन कराना पड़ता है सो दैट ये दो लोग अपनी लड़ाई को सॉर्ट कर सकें। क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी के साथ झगड़ा करके बैठी हूँ तो ऐसे सिनेरियो में मैं उस इंसान के साथ वन टू वन बात नहीं करना चाहूँगी। ऑलरेडी मेरा झगड़ा चल रहा है, अगर हम गलती से कहीं मिले भी तो हमारी बात नहीं होगी, हमारी लड़ाई होगी। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी दो लोग लड़ रहे होते हैं एक समझदार इंसान को बीच में आना पड़ता है और वो दो लोगों की लड़ाई को सॉर्ट कराना पड़ता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन कहीं ना कहीं इसी चीज़ से रिलेट करते हैं, लेकिन स्टिल सॉर्ट कराने का जो तरीका होता है दोनों का वो होता है डिफरेंट। कैसे डिफरेंट होता है आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम आर्बिट्रेशन में पढ़ते हैं मीनिंग वाला। इसमें जैसे आर्बिट्रेशन इज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसेस इन विच एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी इज अपॉइंटेड टू स्टडी द डिस्प्यूट, हियर बोथ द पार्टीज टू अराइव एट अ डिसीजन बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज। ये क्या बोलता है? ये बोलता है एक इंसान है दूसरा इंसान है, दोनों आपस में लड़े हुए हैं, आप भेज रहे हैं एक थर्ड पार्टी को जो कि इम्पार्शियल नेचर का है। वर्ड को माइंड में ज़रूर रखिएगा, इम्पार्शियल नेचर, दैट मीन्स उसका ना टिल्टेशन इस तरफ है ना इस तरफ है। अब आप खुद सोच के देखिए, दो लोग अगर लड़ रहे होंगे और आप तीसरा इंसान ऐसा भेज दोगे जिसका ए के साथ दोस्ती है और बी को पसंद नहीं करता, तो ऐसे सिनेरियो में ऑब्वियसली वो फैसला किसके फेवर में देने वाला है? ए के फेवर में देने वाला है। तो ऐसे इंसान को आपको लड़ाई में बीच में घुसाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आपको चाहिए एक ऐसा इंसान जो कि इम्पार्शियल नेचर का हो, ना वो ए को ज़्यादा वो करे ना बी को ज़्यादा करे, वो न्यूट्रली देखे चीज़ों को। सो इम्पार्शियल थर्ड पार्टी को अपॉइंट करना है जो कि दोनों ही पार्टीज की बात सुने। मैं इधर वाले की भी बात सुन रही हूँ, मैं उधर वाले की भी बात सुन रही हूँ, और उसके बाद मैं खुद एक डिसीजन पे आ रही हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, दोनों का निपटारा कैसे करना चाहिए, दोनों की लड़ाई का निपटारा कैसे होना चाहिए। तो आर्बिट्रेशन में एक इंसान आता है जो कि थर्ड पार्टी कहलाता है, जो कि इम्पार्शियल नेचर का होता है, वो दोनों पार्टीज़ को सुनता है पहले बैठ के, फिर एक डिसीजन पे आता है और वो डिसीज़न दोनों को सुना देता है। लेकिन ऑन द अदर साइड कॉन्सिलिएशन में क्या होता है वो देख लेते हैं। कॉन्सिलिएशन इज अ मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स wherein an independent person helps the parties to arrive at a negotiated settlement। अब यहाँ पे केस भी नहीं सुन रहा वो, डिसीजन भी नहीं दे रहा वो, क्या कर रहा है? दो लोगों के लड़ाई को सॉल्व करवाने का काम कर रहा है और दोनों को एक ऐसे नतीजे पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जहां पे वो म्यूचुअली अग्री करें। पहले वाले में जज की तरह हो रहा था हर चीज, आप जज की पोजीशन में बैठे हुए थे इम्पार्शियल पर्सन बनके और आप केस को सुन रहे थे। यहां पे आप जज नहीं बन रहे हो, यहाँ पे आप बैठे हो दोनों की सुलह कराने के लिए, दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट कराने के लिए कि भैया तुम बताओ तुम्हें क्या सही लगता है, तुम बताओ तुम्हें क्या सही लगता है, दोनों के बीच में एक नेगोशिएशन डेवलप करवा देना और लास्टली वही क्या कर देना, फैसला बोल देना, अवार्ड बोल देना, कॉन्सिलिएशन का रिजल्ट बोल देना। तो एक आर्बिट्रेशन बिल्कुल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंग होता है, वेयर एज कॉन्सिलिएशन कैसे होता है, नॉर्मली होता है यहाँ पे हम जुडिशियल प्रोसीडिंग ना कंसिडर करते हुए इसे मोर लाइक दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाने वाली चीज़ कहते हैं। फिर उसके बाद ये बोलते हैं आर्बिट्रेशन में एनफोर्समेंट, एन आर्बिट्रेटर हैज़ पावर टू एनफोर्स हिज डिसीजन।
आर्बिट्रेटर जो फैसला देता है वो अपने आप में अवार्ड को बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रल अवार्ड। दैट मीन्स ये बिल्कुल एक जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह है, पूरा केस सुना जज ने, जज की जगह यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर्बिट्रेटर हो जाएगा, और वो फैसला देगा जो कि आपको मानना ही पड़ेगा। कॉन्सिलिएटर फैसला नहीं देता। बहुत लोगों को ऐसी कन्फ्यूजन होती है कि कॉन्सिलिएटर भी फैसला देता है। कॉन्सिलिएटर फैसला नहीं देता, वो इंसान आपकी बात सुनता है, बात सुन के वो अपनी समझदारी से ऐसा कोई इलाज निकालने की कोशिश करता है जो इसको भी पसंद हो और इसको भी पसंद हो, और दोनों के बीच में म्यूचुअल अग्रीमेंट करवा देता है। तो ये आर्बिट्रेशन इज मोर लाइक एक जुडिशियल प्रोसीडिंग, वेयर इज कॉन्सिलिएटर इज मोर लाइक लड़ाई झगड़ा सॉर्ट करवाना और दोनों को एक म्यूचुअल ग्राउंड पे पहुंचाना। फिर आर्बिट्रेशन में वो बोलते हैं कि प्रायर अग्रीमेंट होना जरूरी होता है, तो वो बोलते हैं बिल्कुल, पहले से ही आप डिसाइड करके रखो भैया आर्बिट्रेशन कराना है, ये बंदा अपॉइंट करेंगे, ऐसा करेंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू करवा देंगे। वेयर इज कॉन्सिलिएटर में इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कॉन्सिलिएटर में आप बाद में भी अग्रीमेंट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर ये बोलते हैं आर्बिट्रेशन इज अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर डिस्प्यूट्स, वेयर इज कॉन्सिलिएशन इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स। सी, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बढ़ाने के लिए होता है कंटेंट को, मतलब एज एन लाइक अगर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया है तो उस टाइम पे आप कंटेंट को बढ़ाएंगे कैसे, तो वो पॉइंट्स एडिशनल। मेन आपका जो मुद्दा है वो है मीनिंग से रिलेटेड। आपको अगर मतलब दोनों का मीनिंग समझ में आ गया और एक आप एग्जाम्पल का वो हेल्प लेके उस मीनिंग को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कोई आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो लिखने का तरीका भी मैं आपको साथ में ही बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है पहले तो दोनों की डेफिनेशन, और उसके बाद एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दे दीजिएगा दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए, और उससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज़, लीगल प्रोसीडिंग। क्या आर्बिट्रेशन को लीगल प्रोसीडिंग माना जाता है? तो बिल्कुल माना जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आर्बिट्रेशन इज मोर लाइक जुडिशियल प्रोसीडिंग ओनली, वेयर एज कॉन्सिलिएशन को नहीं माना जाता। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ सो दैट आपको कॉन्सेप्ट और थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। सी, मेरे दो फ्रेंड्स की लड़ाई चल रही है, एक फ्रेंड का नाम है ए, दूसरे फ्रेंड का नाम है बी। अब ऐसे सिनेरियो में मुझे दोनों का आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ए की बात सुनूंगी, मैं बी की बात सुनूंगी। जब मैंने दोनों की बात सुन ली है उसके बाद मैं अलग से बैठूंगी, मुझे अगर लगेगा कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे डिराइव करनी है वो मैं डिराइव करूंगी, और उसके बाद तैयार करूंगी मैं एक फैसला जो कि जज जैसे करते हैं। जजेस क्या करते हैं, हम दोनों पार्टीज का केस सुनते हैं फिर फैसला देते हैं ना, तो यहाँ पर मैं एक फैसला तैयार करूंगी और वो मैं दोनों के सामने पेश करूंगी जो कि उन्हें फॉलो करना बाइंडिंग भी होगा, क्योंकि आपने चूज किया है आपको आर्बिट्रेशन चाहिए था। वेयर एज जब मैं कॉन्सिलिएटर की बात करती हूँ तो यहाँ पे मेरे दो दोस्त हैं, अगेन ए बी, दोनों लड़े हुए हैं, यहाँ पे मुझे सी बन के उनके बीच में जाना है। मैं बोलूँगी हाँ ए बताओ क्या बात हुई, फिर मैं बोलूँगी हाँ बी बताओ क्या बात हुई। हो सकता है मैं इनसे अलग अलग भी केस के बारे में जानूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है दोनों को साथ में बिठाओगे ना वो अपना बोलना शुरू करेगा, वो अपना पर्सपेक्टिव बताना शुरू करेगा, और हॉच पॉच में लड़ाई झगड़ा होने की संभावना होती है। सो मैं क्या कर सकती हूँ, अलग अलग भी इन दोनों का केस सुन सकती हूँ। मैंने मुद्दा सुन लिया, उसके बाद मैं बोलूँगी ए बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इसने बोला 60% मुझे मिल जाना चाहिए, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ थी जिसका शेयर 60% ये मांग रहा था। बी ने बोला, मैंने बी के पास अलग से गई, मैंने उससे केस सुना, फिर मैंने बोला व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू यू इज़ द राइट थिंग, मतलब क्या एंड रिजल्ट होना चाहिए। उसने बोला 60% मुझे मिल जाना चाहिए। मैं ए के पास गई, मैंने बोला 50% में ओके हो तुम, उसने बोला हाँ ठीक है 60 का 50 कर लूँगा। मैं तो बी के पास गई, मैंने बोला 50% में ओके हो तुम, उसने बोला हाँ 50% कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों से ही पूछ लिया डायरेक्टली तुम्हें क्या ओके है कि नहीं है, और उन्होंने हाँ बोल दिया, तो क्या हो गया, दोनों 50-50 पे रेडी हो गए। अब दोनों 50-50 पे रेडी हो गए, ऑल आई हैव टू डू इज दोनों को पास में बिठाना है और बोलना है 50% पे तुम रेडी हो, 50% पे तुम रेडी हो, केस सॉल्व, जाओ अपने घर। ये होता है म्यूचुअल ग्राउंड्स पे लेके आना, मतलब नेगोशिएशन करवाना। आर्बिट्रेशन में मैं खुद फैसला ले रही थी, मैं दोनों से सुन भी नहीं रही थी, लेकिन कॉन्सिलिएशन में मैंने दोनों के आइडियाज ले लिए, दोनों को इक्वल टर्म्स पे क्या किया, डिफाइन किया, और उनको बोला कि भैया यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं, और ये हो जाएगा हमारे कॉन्सिलिएटर का रिजल्ट।
सो ऐसे हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएटर लड़ाई को भी सॉल्व करा देता है और दोनों की प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाती हैं, एक में अवार्ड के साथ, एक में बिना अवार्ड के, लेकिन म्यूचुअल ग्राउंड्स पे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आई होप आपको दोनों के डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू पीपल, आप लोगों को मुझे भेजना है वो डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आता है यूजुअली, या आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं, तो वो आप मुझे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं, और चाहिए तो आप हमें डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे भी यू नो लाइक कनेक्ट कर सकते हैं। एंड विद दैट, अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि मेरे यहाँ पे खड़े होने की वजह से आपको नहीं दिख पाए थे प्रॉपरली, तो वो आपको मिल जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पास कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।